अगर हम इस एनिमे का एक शॉर्ट रिव्यू करें तो एक एक्शन एडवेंचर शोनन और एक मार्शल आर्ट एनिमे है जिसे एनिमेटेड किया था स्टूडियो पीरोट ने। तो इस एनिमे की स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे एनिमे के मेन कैरेक्टर से जिसका नाम है नारुतो, जो कि एक यंग किड है, लेकिन इसे सोसाइटी बहुत ही डिफरेंट तरीके से ट्रीट करती थी। ना ही कोई उसका फ्रेंड बनता था और वहाँ के लोग उसे बहुत ज्यादा अवॉइड करते थे, जिसके बिग रीजन थी एक डेमन जो कि नारुतो के अंदर सील किया गया था। इस डेमन का नाम था नाइन टेल फॉक्स, जिसने कुछ साल पहले इसी विलेज पर अटैक किया था जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे और इस विलेज में बहुत ज्यादा तबाही हुई थी। तो इसी विलेज को बचाने के लिए नारुतो के पेरेंट्स ने नाइन टेल फॉक्स को नारुतो के अंदर सील कर दिया था, लेकिन स्टिल विलेज के लोग नारुतो को एक तरह से खतरा समझते थे, जिसकी वजह से नारुतो की बचपन की लाइफ बहुत ही लोनलीनेस और सैडनेस में गुजरती है। लेकिन हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर नारुतो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग विल और मोटिवेटेड कैरेक्टर है, जो कि किसी भी बुरे हालात में हार नहीं मानता। वो विलेज के तमाम लोगों के साथ प्रैंक करता रहता है और विलेजर्स के साथ हर बार कोई ना कोई ट्रबल मेकिंग काम करता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग नारुतो की बहुत ज्यादा शिकायत करते हैं। लेकिन स्टिल नारुतो इससे बहुत ही खुश था, क्योंकि यही एक तरीका था जिसकी वजह से लोग उसे रिकॉग्नाइज करते थे। और नारुतो का एक बहुत ही फिक्स गोल होता है कि उसे होकागे बनना है, क्योंकि होकागे उस सिटी में सबसे रिस्पेक्टिव पर्सन होता है और एक तरह से हीरो माना जाता है जिसकी हर कोई रिस्पेक्ट करता है। और नारुतो का ये ड्रीम होता है कि जिस दिन उस विलेज का वो होकागे बन जाएगा, तमाम लोग उसे हीरो की तरह ट्रीट करेंगे और हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करेगा। तो इसी ड्रीम को लेकर हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर नारुतो बहुत ही मोटिवेटेड रहता है, जिसके लिए वो एक निंजा स्कूल में ट्रेनिंग भी लेता है। लेकिन स्टिल नारुतो बचपन से ही स्टडीज और अपनी ट्रेनिंग्स में बहुत ही वीक होता है, लेकिन जो चीज उसे सबसे डिफरेंट बनाती है वो है उसकी मोटिवेशन और नेवर गिव अप की विल। तो एनिमे की स्टोरी जैसे आगे बढ़ती जाएगी, आपको इसमें नारुतो बहुत ही अमेजिंग किस्म का दिखाया जाएगा, जो कि अपने गोल को हासिल करने के लिए एक्सट्रीम लेवल की मेहनत करता है। उसके साथ साथ स्टोरी जैसे आगे बढ़ती जाएगी, इसमें बहुत सारी आपको न्यू मिस्ट्रीज देखने को मिलती हैं, बहुत ही खतरनाक किस्म के विलन्स जो कि नारुतो को कैप्चर करना चाहते हैं। उसके अलावा भी हर एक साइड कैरेक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया गया है इस एनिमे में, और हर एक कैरेक्टर की अपनी पर्सनल पास्ट लाइफ है। तो ये एनिमे कम्प्लीटली मास्टरपीस होने वाला है, जिसे आप जरूर एंजॉय करने वाले हैं।